الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلی العظیم। محبت के साथ एक मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا शफीअ المذنबीन। हम्दो सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुन नमल उसकी तफसीर का बयान जारी है। आप सुन रहे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, जो कौम समूद की तरफ आए। कौम बुत परस्ती करती थी, आपने ईमान की दावत दी, कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग बुत परस्ती पर कायम रहे। दो गिरोह हो गए, झगड़ा करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया, अल्लाह के अज़ाब से डरो और तौबा कर लो। कौम कहने लगी, जो अज़ाब लाना है ले आओ। आपने फरमाया, जल्दी क्यों करते हो, तौबा कर लो, अल्लाह से बख्शिश मांग लो, शायद तुम पर रहम हो जाए। तो वो शुगून लेने के आदी थे, उन्होंने शुगून लिया। परिंदे छोड़ते थे, बाईं तरफ जाए तो क्या मतलब, दाईं तरफ जाए तो क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि हमने बुरा शगुन लिया है तुमसे और तुम्हारे साथियों से। फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, तुम लोग फितने में पड़े हुए हो। शहर में 9 अफराद थे, 9 लोग थे जो ज़मीन में फसाद करते थे, संवारना नहीं चाहते थे। मैं उनके नाम भी आपको बता चुका हूँ। उन्होंने आपस में प्रोग्राम बनाया 9 आदमियों ने। हम रात के वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पे छापा मारेंगे और माअज़ल्लाह उनको कत्ल कर देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को फिर जो उनके वारिस उठेंगे, जो आवाज़ लगाएंगे, उनसे हम कह देंगे कि हम कत्ल के वक्त मौजूद ही नहीं थे, वहाँ थे ही नहीं, और बेशक हम सच्चे हैं। उन्होंने अपना सा मकर किया और अल्लाह फरमाता है फिर हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और वो गाफिल रहे, तो देखो कैसा अंजाम हुआ उनके मकर का, और अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया, और उनको और उनकी सारी कौम को। ये खुलासा आपने सुन लिया। अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का हाफिज़ व नासिर है, हिफाजत भी फरमाता है, मदद भी फरमाता है, और उन्हें लोगों की चालों से, साजिशों से बचाता है। ज़ालिमों की, दुश्मनों की साजिशें ज़ाहिर हो जाती हैं, बेनकाब हो जाते हैं। हर जुर्म की जड़ झूठ है। ये झूठ कहते हैं तमाम बुराइयों की जड़ है। कौम ने जो भी प्रोग्राम बनाया वो आपको तफसील बता चुका हूँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाइशी मोजज़ा मांगा गया था। वो फरमाइशी मोजज़ा पूरा हुआ, लेकिन कौम ईमान नहीं लाई। तो जब भी कोई फरमाइशी मोजज़ा मांग कर ईमान ना लाए तो फिर उनके लिए सख्त पकड़ होती है, अजाब आता है। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग की, मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भेज दिए। जब ये लोग हथियार लेकर वहाँ पहुँचे तो फ़रिश्तों ने इन सब को हलाक कर दिया। ये जो साजिश हुई थी ये ऊँटनी की कोंचें काटने और उसको कत्ल करने के बाद हुई थी। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कह दिया कि 3 दिन हैं, 3 दिन में जो करना है कर लो, 3 दिन के बाद तुम सब हलाक कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। तब उन्होंने कहा हम तो बाद में हलाक होंगे, हम पहले ही इनको क्यों ना ख़त्म कर दें माअज़ल्लाह। तो उन्होंने जो प्लानिंग की अल्लाह ने उसको नाकाम बना दिया। सालेह अलैहिस्सलाम महफूज रहे, लेकिन कौम सारी की सारी हलाक हो गई। यहाँ 1-2 बातें। चंद अफराद अगर किसी मुआशरे में, मुआशरे का मतलब सोसाइटी जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, क्योंकि 2 आदमियों से मिलकर, मियाँ बीवी, मर्द और औरत से मिलकर एक घर शुरू होता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, रिश्तेदार, ख़ानदान बनता है, फिर ख़ानदान मिलकर एक मुआशरा बनता है जिसमें लोग बसते हैं, रहते हैं। तो उस मुआशरे में चंद अफराद थे, सारे मुजरिम नहीं थे, मगर सारे खामोश रहे, बुराई का इरादा सुनकर खामोश रहे। तो ये खामोशी उनकी रजामंदी थी, इस बात की निशानी कि वो इस जुर्म पर राज़ी हैं, तो अल्लाह ताला ने सारी कौम को पकड़ा, सबको तबाह किया। यहाँ से पता चला कि वो लोग जो बुराई पर बोलते, रोकते, टोकते नहीं, वो भी गुनाह में शामिल हो जाते हैं, वो भी क्योंकि मैं आपको बता चुका फ़ाक़रूहा के अल्फाज हैं कुरान में, क्या मतलब कि सबको पकड़ा, वो सब मुजरिम थे ताउन के, क्योंकि उन्होंने उसमें मदद की थी। तो यहाँ से वाजे हो गया कि अगर कौम के लोग बुराई जानकर खामोश रहें तो सब के सब फिर उसमें जुर्म में मुआविन शुमार होते हैं, मददगार शुमार होते हैं। तो बुराई पर चुप नहीं रहना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए, बुराई के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए और उसके लिए जो हमसे बन पड़े, जो हो सके वो हमें करना चाहिए। आपने ये बात सुनी। हमारे यहाँ एक घर में एक शख्स मिसाल के तौर पर चोरी कर रहा है, हमें पता है कि वो डाका डालता है या कहीं से हेर फेर करके पैसे कमा के लाता है, तो लोग इंजॉय करने लग जाते हैं। क्या मतलब? मज़ा लेते हैं कि पैसा आ रहा है, खाओ पियो। उनको पता है ये गलत कर रहा है, वो रोकते टोकते नहीं। तो सब शामिल हुए या नहीं हुए? पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी कह रहे हैं हुए। इसी तरह शहर में, बस्ती में, आबादी में अब कोई शख्स गलती करे तो उसको सबको मिलकर उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। अब हुक्मरान हैं, हकूमतें होती हैं हर मुल्क में, इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट वग़ैरह वग़ैरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं। उनका काम है, उनके पास कानून है, हथियार है, उनको हाथ से जुर्म को रोकना चाहिए, मगर वो रोकते नहीं। तो फिर वो जुर्म को बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। उनकी वजह से मुजरिम जो हैं वो कहते हैं जी हमारी कोई पूछ पड़ताल नहीं हो रही, कोई पकड़ नहीं हो रही, तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं ताज़ा मिसाल दे दूं, लाहौर में मोटरवे पर, सड़क पर एक वाक़या हुआ। किसकी सुस्ती, किसकी गफलत, किसकी बेतवज्जुही से हुआ। एक बात, वाक़या होने के बाद चूँकि मंजरे आम पर आ गया, हुक्मरानों के लिए मसला बन गया। अपने अहलकारों को बचाया जाता है, जैसा साहिवाल के हादसे में हुआ, सारी दुनिया ने देखा। वो कोई इदारा हो, कोशिश होती है कि जो सरकारी उम्माल हैं, अमला है, उसको बचाया जाए, दूसरों पर इल्ज़ाम रख दिया जाए। ट्रेन का हादसा हुआ, ड्राइवर को पकड़ लिया, जिस जो निगरान है, जिसकी गलती है, उसको कुछ नहीं कहा। पहले होता था कि जी वज़ीर इस्तीफ़ा दे, तो ये बातें सुनते थे। अब इस्तीफ़ा क्या, वो तो और ज़्यादा ढिठाई के साथ जमे रहते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये सारी सूरत हाल में हुक्मरान अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है। कभी मालूम हुआ सरकारी इमारत में ज़्यादती की और औरत को कत्ल कर दिया या उसको मार दिया, और फिर उसकी इंक्वायरी भी नहीं होने दी क्योंकि सरकारी लोग हैं या बड़े लोग हैं। तो जहाँ पर कानून अमीर के लिए और गरीब के लिए और जहाँ अपने अमले को बचाना है, अदल नहीं है, तो बताइए वहाँ जुर्म कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो कुरान हमें बता रहा है, हदीस हमें बता रही है, ख़ुद मुल्क का कानून बता रहा है, मगर अमल नहीं है, सच्चाई नहीं है, अदलो इंसाफ नहीं है, तो बुराइयाँ रुकती भी नहीं। आगे से जिम्मेदारों के गलत बयान आए। अच्छा, अब उस पर मुस्तजाद, यानी एक तो जुर्म था ही था, मजीद ये कि सज़ा पर इख्तिलाफ, सख्त सज़ा ना दो, खुले आम ना दो, यूं ना दो, फांसी ना दो, सज़ाए मौत के खिलाफ बातें होती हैं। तो बताइए क्या इस सूरत में मुल्क में जुर्म ख़त्म होगा? अगर आपके ज़ख़म हो गया है और उसमें सेप्टिक कहते हैं, जहर बन गया है, आप उसको नहीं काटेंगे तो वो पूरे जिस्म में फैलेगा या नहीं फैलेगा? ऊंची, तो उस ज़ख़म को फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए ताकि बाकी पूरा जिस्म महफूज रहे। हमारे यहाँ कहते हैं फैलने दो, तो जब पूरा मुआशरा आलूदा होगा तो सब गुनाहगार होंगे या नहीं होंगे? तो ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि बुराई पर खामोश नहीं रहना, बुराई पर खामोश ऊंची गई है नहीं रहना। ये याद कर लें, आपका बच्चा हो, भाई हो, दोस्त हो, अजीज़ हो, कोई हो, आपको ये सरजनश, मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, कहाँ मरहम लगाना है, कहाँ नश्तर लगाना है, नश्तर का मतलब चीरा लगाना है, ऑपरेशन करना है, तरीक़े हैं, मगर जहाँ जो काम ज़रूरी है वो नहीं करेंगे तो चीज़ बढ़ेगी और उसके बढ़ने के नतीजे में क्या होगा? मज़ीद ख़राबी होगी। तो ये याद रखें कि जो भी आपके मालूमात में आ जाए, आपके सामने आ जाए और आपको पता हो ये गलत है, तो हमने उस पर खामोश नहीं रहना। आवाज़ हक़, अब आवाज़ हक़ बुलंद करने का तरीक़ा क्या है? गाली देंगे आप, पत्थर मारेंगे, घेराव करेंगे, जलाव करेंगे? नहीं, जो सही तरीक़ा है वो अपनाया जाए और जो कार्रवाई करनी है वो की जाए। एक बात,